सहरसा में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने युवक को आपसी रंजिश में गोली मार दी, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सिसई गांव निवासी महादेव यादव के बेटे मंटुन यादव, जो पावर ग्रिड सिहौल में निजी तौर पर काम करते हैं, वो गांव से बाइक लेकर सिहौल की ओर जा रहे थे। तभी सहरसा दोरमा सड़क मार्ग में एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने पीछे से गोली मार दी। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने घायल की हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए DMCH भेज दिया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से जहां इलाके में सनसनी फैली हुई है, तो वहीं लोगों में दहशत का माहौल है। घटना घटी है, छापामारी चल रहा है, जांच भी चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। हालांकि पुलिस जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां फिर एक बार इलाके की पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने बौनी साबित हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट।